हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन कुक विद एंडी। आज मैं लेकर आई हूँ पास्ता रेसिपी। ये बहुत ही डिलीशियस, बहुत ही टेस्टी लगता है। इसे बनाने के लिए मैंने क्या लिया है देख लेते हैं। ये मैंने पेनी पास्ता लिया हुआ है, आप चाहे तो कोई अदर पास्ता भी ले सकते हैं। टॉस का मैंने लिया हुआ है पास्ता मसाला, जिसमें सारे इन्ग्रीडियंट्स ऑलरेडी मिक्सड है। इसमें है जिंजर, ब्लैक पेपर, बेसिल, ओरेगनो, सॉल्ट, रोजमेरी और गार्लिक, चिली फ्लेक्स एक्सेट्रा, इसमें सारे ऐड हैं। मैं आज ये यूज़ कर रही हूँ मसाला। ये मैंने लिया है 150 ग्राम ऑफ मिल्क, गाजर, शिमला मिर्ची, ऑनियन जिसे मैंने कट कर लिया है, ये मैंने 2 गार्लिक लिया है जिसे मैंने चॉप कर लिया है, 1 टेबल स्पून सेजवन चटनी, 1 टेबल स्पून मैंने लिया है मैदा, ऑल पर्पज़ फ्लोर, सॉल्ट एज पर टेस्ट, 1/2 टी स्पून मैंने लिया है बटर, अमूल चीज़ हम यूज़ करेंगे, और ये मैंने लिया है डॉक्टर ओटेकर का वेज मायोनीज़। इससे टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है पास्ता का। तो इसी तरह आप भी बनाइए और मेरी वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिए। इसे बनाने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगी, अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो अभी कर लीजिए, ताकि सारे आने वाले वीडियोस आपको मिलते रहें। और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलिए। बेल आइकन पर क्लिक करने से मेरे सारे न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेंगी। और जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है उनका मैं बहुत शुक्रिया अदा और धन्यवाद करती हूँ। तो चलिए आज हम ये पास्ता रेसिपी बनाएं। पैन में मैंने वाटर को ऐड कर दिया है, बॉयल आने का हम वेट करते हैं। पानी में उबाल आना शुरू हो गया है। इसमें हमें ऐड करना है सॉल्ट, नमक एज पर टेस्ट हम इसे डालेंगे सॉल्ट को, और 1 टीस्पून हम इसमें ऑयल डालेंगे। और अब हम इसमें डालेंगे पास्ता, और अब हम इसे लो फ्लेम से मीडियम फ्लेम के बीच में इसे कुक होने देंगे 8-10 मिनट्स के लिए। 8 मिनट हो गया है, अब हमारा पास्ता अच्छे से कुक हो गया है। इसे हमें इतना ही कुक करना है, ज़्यादा कुक नहीं करना है। तो हम इसे एक बार चेक कर लेते हैं नाइफ से। परफेक्ट हो गया है, गैस को ऑफ कर देंगे। अब हम पास्ता को पानी में से निकाल लेंगे। चलिए अब हम व्हाइट सॉस बनाते हैं। व्हाइट सॉस बनाने से पहले हमें यहाँ पे रेड सॉस रेडी कर लेना है। तो मैंने लिया है यहाँ पे 1 बिग टेबल स्पून मायोनीस, और अब हम इसमें ऐड करेंगे ये शेज़वान चटनी। इन दोनों को अच्छे से हमें मिक्स कर लेना है। तो ये हमारा रेडी हो गया। पैन को हमने हीट कर लिया है, अब हमें इसमें ऐड करना है बटर। अब ऐड करेंगे लहसुन, गार्लिक, हल्का सा सॉटे करेंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे ऑल पर्पज फ्लोर, अच्छे से इसे मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे मिल्क, मिक्स कर लेंगे। अब मिल्क को थिक होने तक हम इसे कुक करेंगे। मिल्क हमारा थिक हो गया है, अब हम गैस ऑफ कर देंगे। व्हाइट सॉस हमारा रेडी हो गया है। अब चलिए अब हम पास्ता बनाएं। पैन में मैंने 1 टीस्पून ऑयल लिया है। सबसे पहले हम इसमें ऐड करेंगे ऑनियन, इसे हम सॉटे कर लेंगे, हल्का सा फ्राई कर लेंगे। अब हमें इसमें ऐड करना है गाजर, शिमला मिर्च, अच्छे से मिक्स कर लेंगे। 1-2 मिनट के लिए इसे मैं कुक करूंगी। 1-2 मिनट हमने इसे अच्छे से फ्राई कर लिया। अब हमें इसमें ऐड करना है सॉल्ट। मैं थोड़ा ही सॉल्ट यूज़ करूंगी, क्योंकि शेज़वान चटनी और मायोनीज में भी थोड़े सॉल्ट होते हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे व्हाइट सॉस,
अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब मैं इसमें ऐड करूंगी ये रेड सॉस, अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अब हम इसमें डालेंगे पास्ता मसाला, मिक्स कर लेंगे अच्छे से। अब हम डालेंगे बॉइल्ड पास्ता, अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसे मैं एक मिनट तक कुक करूंगी। इसमें एक मिनट हो गया है, हमारा पास्ता अब रेडी हो गया है। गैस ऑफ कर देंगे और इसे प्लेट में निकाल के चीज़ से गार्निश कर लेंगे और फिर सर्व करेंगे। पास्ता रेडी है, आप देख सकते हैं मैंने इसे चीज़ से गार्निश कर दिया है। ये बहुत ही टेस्टी लगता है, बहुत ही डिलीशियस है। आप ज़रूर ट्राई करिए घर पे और मुझे कमेंट करना ना भूलिए। अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो कुक विद एनडी पे सब्सक्राइब करना ना भूलें। लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।